सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मरीन कमांडोज होते हैं इंडियन नेवी के, वह यूएस नेवी सील्स यानी यूएस नेवी की जो सील होती है उन स्पेशल फोर्सेस से अच्छे होते हैं या उनके बराबर होते हैं या उनसे बेकार होते हैं। तो इस वीडियो को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, बट वह इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी और थोड़ी सी इधर उधर की घुमावदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढना जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना हो, वह कोई भी सच नहीं बता पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता यूएस नेवी सील क्या ऑपरेशन कर रही है आज के दिन में, कैसे उसको किस वेपन के साथ वो ट्रेन कर रही हैं, तो ये सब चीज़ नहीं पता होती। तो फिर भी दो चीज़ को कंपेयर नहीं करते, बट फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप मार्कोस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप मार्कोस में कैसे ज्वाइन करना है और मार्कोस ज्वाइन करके आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आप पास करोगे, यह सब ढूंढ रहे हो और आप अभी आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है या क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इसी चैनल में आपको मार्कोस की कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या ट्रेनिंग में उनसे एक्सपेक्टेड है, बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है, एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है। कुछ ज़्यादा उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताई हैं कि आपको ये करना होगा वो करना होगा, एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है। अगर आप समझ सकते हो तो आप उसको एक वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्कोस की ट्रेनिंग क्या होती है। तो मेंटली जो होता है मरीन कमांडोज यानी जो इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग थोड़े से मेंटली टफ होते हैं, तो जो मरीन कमांडो होता है वह ट्रेनिंग के बाद और थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप विदाउट वेपन दो लोग को सामने खड़ा कर दो, मार्कोस और नेवी सील को, और इनके साथ आपस में अगर देखा जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए विदाउट वेपन विदाउट टेक्नोलॉजी, तो इंडियन के जो मार्कोस हैं वो टफ तो हैं, दे आर वेरी टफ। दूसरा, मार्कोस स्विफ्ट हैं, यानी मरीन कमांडोज आर फिजिकली वेरी स्विफ्ट। आप कोई भी चीज़ देखना कि जो जिस कंडीशन में इंडियन के मार्कोस ट्रेन करे जाते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, उसके बाद जिस टाइप की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस टाइप से उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, उसके बाद दे आर वेरी क्विक एंड दे आर वेरी स्विफ्ट, यह तो आपको मानना पड़ेगा। देन थर्ड थिंग जो हो जाती है इसके बाद वो होती है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, जो हमने अपने मार्कोस को ट्रेन करने के लिए इनकॉर्पोरेट करा है वह हमने इधर उधर से कलेक्ट करा है, जिसमें हमने यूएस का भी ट्रेनिंग पैटर्न लिया है और उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखकर उसको हमने इवॉल्व किया है। तो हाँ, उस चीज़ में हमने उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ली गई हैं और इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, तो हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा जैम पैक्ड है, छोटा है और बेटर है, आप यह भी कह सकते हो। यानी 1 से 1.5 ईयर की मार्कोस की जो ट्रेनिंग है, आप ऑनलाइन देखते होगे कि 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है मार्कोस की, नहीं ऐसा नहीं है, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 1 से 1.5 ईयर की ट्रेनिंग है मार्को बनने के लिए, जिसमें डाइविंग कोर्स, उसके बाद जो मार्को बेसिक कोर्स के लिए बंदा जाता है मंडोवी में वह है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि कहाँ यूएस के नेवी सील्स हमसे आगे हो जाते हैं, वह हो जाते हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि जो जिस फ्रंट पे हम क्या कहते हैं पीछे हो जाते हैं और उनको एक अपर हैंड मिल जाता है। टेक्नोलॉजी आपको मानना पड़ेगा और एडवांस वेपन्स आपको मानना पड़ेगा यूएस के पास हैं, क्योंकि ओसामा को अगर हमारे सामने भी ला के रख दो तो हम भी पकड़ के मार सकते थे, बट ओसामा बिन लादेन को सैटेलाइट के थ्रू फाइंड आउट करना, यह एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टारगेट था जो यूएस ने करा। और ऐसी चीज़ अगर वो कर सकता है कि किसी पाकिस्तान के कोने से किसी अपने टेररिस्ट को ढूंढ सकता है और उसको एलिमिनेट कर सकता है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मार्कोस इस चीज़ में यूएस नेवी सील से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो एडवांस वेपन वो यूज़ कर रहे हैं वह हमारे सामने बहुत ही अच्छे और हाई ड्रिवन है। हालांकि आज के दिन में
हमारी गवर्नमेंट भी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन देती है और अच्छे वेपन्स दे रही है हमारे मार्कोस को, बट हम इस पर अभी और इवॉल्व करेंगे और इस पर बहुत अच्छा आगे करेंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। दोनों का मोटिवेशन बहुत हाई है, दोनों अलग अलग रीजन में काम करते हैं, दोनों अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं, दोनों के पास अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों अलग अलग टाइप के ऑपरेशन करते हैं, इसलिए दोनों फोर्सेस बहुत ही मोटिवेटेड फोर्सेस हैं और इस फैक्टर में तो कोई एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों अपनी ड्यूटी अच्छे कर रहे हैं। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की भी बात करें तो हमारे पास कम एक्सपीरियंस है कंपेयर टू नेवी सील्स। नेवी सील्स बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर चुकी है, एट सी अगर आप देखोगे या पायरेसी ऑपरेशंस देखोगे जहाँ उन्होंने कितने पोचिंग पायरेसी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करे हुए हैं, या दूसरे की कंट्रीज़ में जा जाके इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस करे हैं यूएस नेवी सील्स ने, चाहे वो इराक हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, तो इस सब चीज़ में हम थोड़े से ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हमारे पास कम है और अभी धीरे धीरे हम इसको इवॉल्व कर रहे हैं विद टाइम। जैसे मार्कोस भी 20 साल से कश्मीर में इन्वॉल्व हैं और कश्मीर के आसपास वाले एरिया में बुलर लेक के पास वह भी अपने आप को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और विद टाइम हम वो एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, तो विद टाइम ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हमारे पास भी बढ़ जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।